हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water. Jack fell down and woke his trunk to fetch a pail of water. Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water. Jack fell down and woke his trunk. Jill came tumbling after. अरे लगता है ये आजान अभी तक सोया नहीं है, तभी तो उसके घर की लाइट जल रही है। अभी जाके उसे बुलाती हूँ। अरे आर्यन आ क्यों नहीं रहा है? रिद्धि बेटा चलो सो जाओ। आए पापा। ये तो बैड अंकल लग रहे हैं। ये आर्यन के घर में क्या कर रहे हैं? अच्छा बेटा आप हमें बताइए क्या बात है? नो ओनली दया अंकल और फ्रेडी अंकल। अरे बेटा ओनली दया अंकल और फ्रेडी अंकल को क्यों, हमें क्यों नहीं? क्योंकि मैंने न्यूज में देखा था कि दया अंकल और फ्रेडी अंकल बुरे लोगों को पनिश करते हैं। बेटा हमें बताओ, हम भी बुरे लोगों को पनिश करते हैं। कौन है ये प्यारी बच्ची है? और आप लोग? ये मेरे पेरेंट्स हैं। ओह, तो ये आपके पेरेंट्स हैं? हाँ। अच्छा, और आप कौन हैं? मेरा नाम रिद्धि है। ओह, तो इनका नाम रिद्धि है। तो रिद्धि बताओ आप यहाँ हमारे सीआईडी ब्यूरो में किस लिए आई हो? मैं सिर्फ दया अंकल और फेडी अंकल को ही बताऊंगी। अरे बाप रे, तो आप सिर्फ दया अंकल और फ्रेडी अंकल को ही बताओगी, हमें नहीं बताओगी है? अच्छा चलो, अगर हमने आपसे कहा कि आप हमें बताओ और हम दया अंकल को बता देंगे, तब बताओगी? हाँ। तो बताओ। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? अब बताओ। मेरा एक दोस्त है आर्यन, प्लीज उसे बचा लीजिए, वो डेंजर में है। आपका दोस्त आर्यन डेंजर में है? हाँ। क्यों, क्या हुआ? सर इसने आर्यन के घर में कुछ देखा है, तभी से बहुत डरी हुई है। हमने पूछा लेकिन नहीं बता रही है, कहती है दया सर को ही बताऊंगी। क्या हुआ बेटा, क्या देखा तुमने आर्यन के घर में? गुंडे थे। आर्यन के घर में गुंडे थे? आपने भी देखा? नहीं सर, लेकिन हम लोग आर्यन के घर पर गए थे पर हमें तो वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अच्छा बेटा आपने देखा ना गुंडों को आर्यन के घर में? हाँ। कैसे थे वो बताओ, याद करके बताओ। सबने एक जैसा मास्क पहन रखा था। मास्क पहन रखा था गुंडों ने? हाँ। चलो कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे गुंडों को और आपके दोस्त आर्यन को कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है? गुड गर्ल। सचिन, इस बच्ची ने गुंडों को देखा है मास्क पहने हुए, हमें चल के देखना होगा।
दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लगता है घर में कोई नहीं है। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही, एकदम सन्नाटा है। ये देखा? गमला टूटा हुआ है। जिस तरीके से गमला गिरा है और ये मिट्टी बिखरी है, मतलब वो बच्ची रिद्धि सच बोल रही थी। कुछ हुआ यहाँ पे? अंदर चल के देखते हैं। तुम दोनों होशियार रहना, कुछ भी हो सकता है। लाइट्स स्विच। सर, इस घर का हाल तो बेहाल है। जिसने भी ये सब किया है, कोई कसर बाकी नहीं रखी है। और सर, उस बच्ची रिद्धि के माँ बाप तो कह रहे थे यहाँ सब नॉर्मल है, वो लोग देखे गए थे। उन लोगों ने जब देखा होगा तो हाल कुछ और होगा, अभी तो तुम देख ही रहे हो। मतलब सर, इस केस की भी गुत्थी उलझनी शुरू हो गई है। कोई ना कोई सिरा तो मिलेगा ही। चीफ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, घर के सारे लोग गए कहाँ? आर्यन, उसके माँ बाप कहाँ गए बोलो? जो हाल घर का है, उससे देख के यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, या तो घबरा के वो लोग भाग गए होंगे, या फिर वो गुंडे जो यहाँ आए थे उन्हें अपने साथ ले गए। रोशन, घर में कोई है? लगता है किसी के मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है और वो चीखने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, भाभी, देखो ये। भैया, बाप, देखो अंदर कोई है क्या? घबराइए मत, खुशी आई। अच्छा, घबराइए नहीं, हम लोग सीआईडी से। उठिए, बैठिए, पानी। बुरी तरह संभाल। किसने क्या ये सब? संभाल के, संभाल के लीजिए पानी। बहुत बुरी तरह से मारा है ना, लगता है कल रात से बांध के रखा है इन लोगों को। किसने किया ये सब है? तो आप लोग अभी ठीक हैं? जी। आप आर्यन के पिता हैं? जी। और आप लोग? ये दोनों मेरे भैया भाभी हैं, हम सब साथ में रहते हैं। तो कुणाल, आप लोगों की ये जो हालत है, मेरा मतलब है कि कल रात को यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? कल रात अचानक कुछ गुंडे घर में घुस आए थे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था और वो मेरी बीवी निहारिका को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। किडनैपिंग की कोशिश? जी सर, वो लोग तूफान की तरह आए थे और निहारिका को उठा के ले जाने की कोशिश करने लगे। और जब फिर हमने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमें मारा पीटा, हम लोगों के हाथ पैर बांध दिए और ऊपर ले जाके बंद कर दिया और फिर चले गए। मतलब वो लोग निहारिका को किडनैप करने में कामयाब हो गए? पता नहीं सर, जब हम उन गुंडों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो निहारिका और आर्यन ये दोनों पीछे वाले दरवाजे से भाग निकले। मतलब निहारिका और आर्यन गुंडों को मिले कि नहीं, ये आप लोगों को अभी नहीं मालूम है? हाँ। अभिजीत, ये किडनैपिंग कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है और पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक कह रहे थे। जिस तरीके से इन लोगों को मार पीट के ऊपर वाले कमरे में बंद किया गया और सिर्फ निहारिका को किडनैप करने की कोशिश की गई, शायद कोई निहारिका से दुश्मनी निकाल रहा है। सर, आप लोग हमारे आर्यन और निहारिका को बचा लीजिए, वो लोग पता नहीं किस हाल में होंगे और वो गुंडे लोग उनकी पता नहीं क्या हालत कर देंगे। देखिए, आप लोग घबराइए मत, बोले कुछ नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें निहारिका और आर्यन की तस्वीरें दीजिए प्लीज। जी।
जी अंकल है उस घर के पास छुपने की अच्छी जगह है। शायद निहारिका और वो बच्चा इस जंगल में छुप गए होंगे। सर शायद गुंडे भी उन्हें इस जंगल में ढूंढ रहे होंगे। अगर गुंडों के हाथ नहीं लगे अभी तक उनसे पहले हमें ढूंढना होगा निहारिका को। होशियार रहना निहारिका और आर्यन के पीछे वो गुंडे भी होंगे। सब लोग फैल जाओ। विवेक निखिल तुम लोग इस तरफ से। जी बच्चे के जूते हैं 3 नंबर का है 8 से 9 साल का बच्चे का होगा। कहीं ये आर्यन का तो नहीं हो सकता है। भागते समय पैर से निकल गया तो ये निहारिका और आर्यन आसपास ही होंगे। इतना सारा खून काफी सारा खून बा। और ये सैंडल इसका मतलब खून किसी औरत का हुआ है। मतलब सर निहारिका को सर टायर मार्क्स भी टायर के निशान देख के लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी थी। किसी बड़ी गाड़ी ने यहाँ पे किसी को कुचला है और इसीलिए टायर के मार्क्स यहाँ से आगे जाने के बाद ये खून के निशान है उसमें। सर मतलब एक्सीडेंट का केस है, हिट एंड रन का। हिट एंड रन का केस है तो फिर बॉडी आसपास ही होगी। निकले काम करो ब्लड सैंपल ले लो और ये चप्पल फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। पता करो ये निहारिका का है कि नहीं। सर अभिजीत ये देखो यहाँ से किसी को घसीट के ले जाया गया है। एक बात आ गया घसीटा गया है लेकिन रुक रुक के ये देख रहा यहाँ पे खून ज्यादा है फिर यहाँ पे खून ज्यादा है फिर घसीटा गया फिर यहाँ पे खून चक्कर क्या है। ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। हो सकता है ये खून के निशान हमें उस बॉडी तक पहुंचा देंगे। चलो देखते हैं। जी हाँ ये निहारिका की सैंडल है। सर उससे कुछ हुआ तो नहीं है वो ठीक है ना सर बताइए ना। कुणाल हौसला रखो। देखो कुणाल अभी तक हमको निहारिका मिली नहीं है इसका मतलब यह है कि उम्मीद अभी भी बाकी है। हाँ तुम हिम्मत मत हारो। सालुक साहब कुछ पता चला क्या? सचिन सैंडल पर जो खून मिला है और रोड पर जो खून मिला है इसका ब्लड ग्रुप और ये निहारिका का ब्लड ग्रुप दोनों मैच होते हैं। मतलब रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो निहारिका है? शायद। माय गॉड अगर किसी का इकट्ठा इतना सारा खून एक साथ बह जाए तो फिर उसका बहुत देर तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल है और बिना मेडिकल हेल्प के नॉट पॉसिबल। मतलब निहारिका का बचना बहुत मुश्किल है। कोई उम्मीद नहीं सचिन अगर वो जिंदा भी होगी तो मौत के बहुत करीब होगी। लेकिन फिर भी तुम लोगों को कोशिश जरूर करनी चाहिए इस आदमी की बीवी को बचाने की। रिलैक्स कुणाल। देखिए हम लोग आपके घर की तलाशी इसलिए नहीं ले रहे कि आप लोगों को परेशान कर सके बल्कि इसलिए ले रहे हैं कि हमें कुछ पता चल सके। अच्छा कुणाल ये बताओ कि निहारिका की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या या कोई अनबन? नहीं सर उसका भला किसी के साथ अनबन कैसे हो सकती है वो एकदम मासूम एकदम बोली सी लड़की थी
पता नहीं उसके साथ किसी ने इतना बुरा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। अच्छा कुणाल, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 11 साल। अच्छा ये बताओ कि इन 11 सालों में तुम्हारी और निहारिका की किसी से कोई लड़ाई या कोई झगड़ा हुआ क्या? दुश्मनी तो क्या, किसी से छोटी मोटी लड़ाई तक नहीं हुई। कुछ पता लगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। निहारिका का कोई ब्राउन रिकॉर्ड नहीं है सर, कॉलेज का आई कार्ड, यहाँ तक कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। क्या, कॉलेज का सर्टिफिकेट भी नहीं है? नहीं सर। अच्छा कुणाल, ये बताइए कि निहारिका का कॉलेज का सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट सर, सर्टिफिकेट तो दूर की बात है, मुझे उसके कॉलेज के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। कमाल की बात है, आपकी शादी को 11 साल हो गए और इन 11 सालों में निहारिका ने आपको कुछ भी नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं निहारिका से पहली बार 11 साल पहले अपने ऑफिस में मिला था, वो कॉलेज छोड़ के नई नई ज्वाइन हुई थी, मेरे ही डिपार्टमेंट में थी वो। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर शादी। हाँ मगर एक बात है। क्या बात है? वो जब मुझे पहली बार मिली थी तो थोड़ी डरी डरी सी और सहमी सहमी सी थी। सहमी और डरी हुई सी, पर क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सर शायद निहारिका के कॉलेज से कुछ पता चल सके। हाँ पूर्वी, जरूर पता चल सकता है, देखते हैं क्या पता चलता है। सर सर मेरे बेटे आर्यन के बारे में कुछ पता चला? देखिए अब तक तो पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। निहारिका का नाम उसके कॉलेज की स्पोर्ट्स लिस्ट में है, वो अपने कॉलेज में स्विमिंग टीम में थी और इस लिस्ट के हिसाब से उसका सिलेक्शन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ। हाँ ठीक है, नेशनल लेवल की तैराक थी ये। हाँ सर, लेकिन उसने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था सर। क्यों क्यों हिस्सा नहीं लिया इसने? ये तो पता नहीं सर। अरे सचिन, ये फोटो कितने साल पुराना है? सर ये 12 साल पुरानी है सर। 12 साल पुरानी फोटोग्राफ, तो फिर जरूर 12 साल पहले इस बेचारी निहारिका के जिंदगी में कुछ तो हुआ होगा जो इसने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। पर क्या क्या हुआ होगा इस बेचारी की जिंदगी में? सर सर ये मिस्टर रत्नेश, निहारिका की स्विमिंग कोच। हेलो सर। हेलो रत्नेश जी। रत्नेश जी ये देखिए, निहारिका की फोटोग्राफ है 12 साल पहले की, आपके कॉलेज के स्विमिंग टीम में थी ये। क्या बता सकते हैं कि निहारिका ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा क्यों नहीं लिया था? सर ये बता पाना मुश्किल है, निहारिका बहुत अच्छी तैराक थी सर, उसने काफी मेहनत भी की थी इस चैंपियनशिप के लिए, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं सर कि उसने स्विमिंग ही छोड़ दी। वही तो,
क्यों स्विमिंग छोड़ दी उसने? हाँ? कुछ तो बताया होगा उसने आपको? नहीं नहीं सर, मैंने बस सुना था कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी। पर्सनल प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कोई पुलिस की सुबह शायद। पुलिस केस? जी सर। किस सिलसिले में? सर इतना नहीं मालूम। एनीवे थैंक यू वेरी मच रत्नेश जी, अगर जरूरत पड़े तो आपको फिर से बुला लेंगे। अब जा सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। पुलिस केस, सचिन पता लगा किस पुलिस स्टेशन में निहारिका का केस फाइल हुआ था 12 साल पहले और किस वजह से? ये खून के निशान अचानक गायब कहाँ हो गए? लगता है जानबूझ के मिटा दिए गए ताकि हम लोग निहारिका और आर्यन तक पहुंच ना पाए। हाथ के निशान? हाँ, किसी बच्चे के लग रहे हैं। इसका मतलब आर्यन जख्मी है। माँ जख्मी, बेटा जख्मी, अचानक किस हाल में होंगे वो लोग? वो अभी ताजा है, इसका मतलब वो लोग आसपास ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी चलो। आपने कुछ नहीं खाया ना मम्मा, पी लो। देखो आपको कितना खून बह रहा है मम्मा, लगता है आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अम्मा मैं बस अभी किसी को लेकर आया, आप इसको पी लेना मम्मा, ठीक है ना? आप यही रहना मम्मा, आप कहीं जाना मत, मैं अभी आया बस। का दूसरा साइन है, इसका मतलब ये कहीं आसपास ही होगी। इस तरफ से
जिंदे से बहुत दौड़ाया हम लोगों को बचाओ मुझे चुप बच्चे की आवाज आवाज इस तरफ से आई है आगे नहीं बढ़ना चलो बच्चे को वहीं रुक जा वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा बच्चे को छोड़ दो मैं कहता हूँ बच कर नहीं जा सकते तुम लोग यहाँ से टाइम वेस्ट मत कर उड़ा डाल ए रुक जा ए वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा नहीं बच्चे को छोड़ दो बोला ना वहीं रुक जा छोड़ो मुझे वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी नहीं ए, सुनता क्या है गोली मार सिर्फ छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया मुझे छोड़ दो मुझे मैंने कुछ नहीं किया मुझे मत मारो हम तुम्हें बचाने आए हम लोग सीआईडी से हैं सीआईडी आप सच बोल रहे हो हाँ बेटा आपकी माँ कहाँ मम्मा वहाँ हैं बहुत खून बह रहा है उनको घबराओ मत बेटा कुछ नहीं होगा उन्हें ले चलो हमें वहाँ पे चलो मम्मा बेटा तुम ठीक हो मम्मा यहाँ पर है ओह माय गॉड इसकी हालत तो बहुत खराब है हाँ विवेक निहारिका को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो और आर्यन बेटा तुम आर्यन कहाँ गया आर्यन 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 अरे कहीं कोई उसे फिर से तो नहीं उठा ले गया जल्दी चलो आर्यन सर ये देखिए ये रही वो पुलिस फाइल जिसमें निहारिका ने किसी विशाल नाम के लड़के की रिपोर्ट लिखवाई थी है कौन ये विशाल सर विशाल निहारिका के पीछे पड़ा हुआ था वो जहाँ जहाँ भी जाती थी वो उसके पीछे जाता था और सर रेहान निहारिका को पसंद करता था इतना कि उसने उसे धमकी दी कि अगर वो किसी और से शादी करेगी तो उसे छोड़ेगा नहीं सर इसी के चलते निहारिका से सहा नहीं गया वो इतनी परेशान हो गई उसने रेहान की पुलिस में कंप्लेन कर दी तो फिर यही वजह है ये रेहान ही वजह है जो निहारिका ने 12 साल पहले शहर छोड़ा और मुंबई आ गई शायद इसी वजह से उसने उस नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया रिहान के बारे में और क्या पता चला सर रिहान तो उसी वक्त से गायब था लेकिन अभी अभी पता चला है कि 2 हफ्ते पहले वो मुंबई शिफ्ट हुआ है सर 2 हफ्ते पहले मुंबई शिफ्ट हुआ है रिहान इसका एक ही मतलब है कि उसने जो 12 साल पहले निहारिका को जान से मारने की धमकी दी थी वो अब जाकर के पूरी कर दी उसने विशाल चुप छोड़ो मुझे अरे नहीं यार अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है अरे ऑर्डर क्या भाड़ में इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि हमने किस तरह इसकी माँ को
गाड़ी से कुचला है, ये सीआईडी को सब कुछ बता देगा। ठीक है, आज कहानी खत्म कर देते हैं। नदी के पास ले जाके इसका आज फुल एंड फाइनल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो तुम्हें वहीं ले चलते हैं। चलो आ जाओ। यही घर है ना? ऐसे घर तो यही है। जी कहिए। तुम विशाल हो ना? जी हाँ सर। हम लोग सीआईडी से। पर सर सीआईडी को मुझसे क्या काम पड़ गया? कुछ काम है इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, है ना? देखिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल सर? निहारिका के बारे में कुछ सवाल। निहारिका? कौन निहारिका? ओहो, भूल गए निहारिका को? निहारिका जो तुम्हारे कॉलेज की दोस्त, जिससे तुम प्यार करते थे, हैं? भूल गए उस प्यार को? बाप रे बाप, दया सर होते तो एक झटके में दरवाजा तोड़ देते। जोर लगाओ। बेहोश है सर। अरे अभी अभी भाग रहा था और अभी अभी बेहोश हो गया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। जिस तरह से भाग रहा था इससे तो शक पक्का होते जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ इसे नहीं किया। सर एम्बुलेंस को फोन कर दिया मैंने, एम्बुलेंस आती होगी सर। ठीक है, बस उतने में घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो देखो कुछ पक्का सबूत मिलता है क्या। हाँ जल्दी। निहारिका सर, हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर। असली ब्रश। ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है।
माय गॉड, इतनी सारी फोटोज। सर जब किसी के दिमाग पे इश्क का जुनून सवार होता है तभी वो ऐसी हरकतें करता है सर। सचिन, ये जुनून अब सिर के ऊपर से निकल चुका है। निहारिका को किडनैप करने के लिए इसने मास्क पहने हुए गुंडे भेजे, मास्क पहने हुए। मगर सर 12 साल से वही जुनून। निहारिका ने कॉलेज में उसे धुतकार भी तो दिया था, फिर भी। एक काम करो, ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स इकट्ठा करो और ब्यूरो ले चलो। सर निहारिका की इतनी सारी फोटोज, ये विशाल तो पागल था उसके पीछे। एक बात बड़ी अजीब सी है सर, 12 साल हो चुके हैं और ये विशाल अभी भी निहारिका के पीछे पागल है, जबकि उसका एक बच्चा भी है और पति भी। सचिन, जब प्यार पागलपन में बदल जाता है तो मायने भूल जाता है। विशाल निहारिका को इतना चाहता था कि निहारिका किसी और के साथ या किसी और के पास रहे, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। और बस इसीलिए उसने निहारिका को मारने की कोशिश की। क्लासिक केस ऑफ एन ऑब्सेस्ड लवर। सर ये देखिए, इन दोनों फोटोज में निहारिका बिल्कुल अलग लग रही है। ये वाली फोटो अभी की है और इस फोटो में ये उसके कॉलेज के जमाने की, मतलब 12 साल पुरानी। सर इस फोटो पे डेट है 2 हफ्ते पुरानी है। 2 हफ्ते पुरानी? सर ये कैसे हो सकता है? विशाल 2 हफ्ते पहले मुंबई आया था, उसे कैसे पता चला कि निहारिका कहाँ रह रही है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही कहा तुमने पूर्वी, बिल्कुल सही कहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये। ये विशाल पहले से ही जान चुका था कि निहारिका कहाँ पर है। एक काम करो, इस विशाल के महीने भर के रिकॉर्ड चेक करो, देखो देखो पता चल जाएगा कौन है वो जो विशाल को निहारिका के बारे में खबर पहुंचाता था। ये कैसे हो सकता है? सर किसी ने विशाल को कुणाल के घर से फोन किया सर। कुणाल के घर से फोन किया? कुणाल के घर? हाँ सर, कुणाल के घर से ही किसी ने 2 हफ्ते में 2 बार फोन किया था विशाल को। ओ, मतलब घर का भेदी लंका ढाए। कुणाल के घर से कोई विशाल को खबर करता था निहारिका के बारे में। अच्छा, और सर 7 मई को किसी ने विशाल को फोन किया था कुणाल के घर से, और 10 मई को विशाल शिफ्ट हो गया मुंबई। इसका एक ही मतलब है सचिन, कि विशाल अपने मन से मुंबई नहीं आया, उसे किसी ने मुंबई बुला लिया। मगर किसने है, कौन ये इस कुणाल के घर वालों में से जो इस विशाल से मिला हुआ है? सर लगता है घर में कोई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग निहारिका को देखने के लिए हॉस्पिटल चले गए? अरे हाँ, वो सब तो हॉस्पिटल गए होंगे। निखिल जरा हॉस्पिटल फोन करो, देखो ये कुणाल वहां पे है क्या। सर हेलो हेलो, गुडनेस हॉस्पिटल? जी हाँ। देखिए वहां पे वार्ड नंबर 305 में मिस्टर कुणाल होंगे, जरा उनसे बात करा दीजिए। ठीक है, होल्ड करेंगे। जी जी। हेलो हेलो, आप कौन? मैं नर्स बोल रही हूँ। आप नर्स बोल रही हैं? जी। अच्छा वहाँ पे मिस्टर कुणाल होंगे, जरा उनसे बात करा दीजिए। कुणाल तो यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है? जी। अच्छा उनके भैया भाभी वो तो होंगे ना? नहीं वो भी नहीं है। क्या नहीं है? जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? सर वो सब तो हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल में निहारिका के साथ सिर्फ आर्यन है। निहारिका के साथ सिर्फ आर्यन है? कुणाल या उसके भैया भाभी को किसी को तो होना चाहिए था हॉस्पिटल में। एक काम करो, इस भैया भाभी के मोबाइल फोन को ट्रेस करो, पता करो इस वक्त वो है कहाँ। सर
एक बात मुझे खटक रही है, इस विशाल को किसी ने कुणाल के घर से फोन किया था। इस घर की अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, इस घर में कुछ गड़बड़ है। हटो। से लगता है सामान निकाल लिया गया यहां से। लगता तो ऐसा ही है। ऊपर चेक करो सर। सर हाँ, ऊपर कुछ भी नहीं है। पंछी उड़ गए सर। कोशिश करते हैं पकड़ने की, चलो। एक मिनट क्या हुआ सर? पानी बहने की आवाज आ गई। मैनेजर सर, वो लोग बहुत मारा मुझे। किसने? सर निहारिका को मारने की भी उन्होंने ही कोशिश की है। अरे सर, आप यहाँ कैसे? हम भी आप लोगों से यही पूछ रहे कि आप लोग यहाँ कैसे, और ये सामान शहर छोड़ के जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो हम लोग तो अपने फार्म हाउस जा रहे थे, यहाँ पे इतना कुछ हो गया, सोचा कि दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, बस इसीलिए। सुकून मतलब? निहारिका हॉस्पिटल में है, कुणाल और आर्यन को आप लोगों की जरूरत है, और आप लोगों को सुकून उनसे दूर फार्म हाउस में जाके मिलेगा। सर मैंने तो कुणाल से भी पूछा था पर उसने मना कर दिया। हाँ वैसे कुणाल को आप लोगों की क्या जरूरत है, मगर तुम्हें मालूम है कि कुणाल इस वक्त कहाँ है? कुणाल घर पे ही होगा सर, और कहाँ? घर पे? वैसे जिस वक्त आप उसे छोड़ के आए थे घर पे, वो ठीक ठाक था ना? जी बिल्कुल ठीक था, उसको क्या होगा? आप चाहे तो घर पे जाकर देख ले। जी नहीं, घर पे जाने की जरूरत नहीं। क्यों सर? हाँ हाँ, घर पे जाने की क्या जरूरत है? अरे घर पे नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? आप लोग भी कमाल है, यहाँ खड़े खड़े डायलॉग मार रहे हैं बस। हाँ ठीक कह रहे तुम, आप लोग जाइए, बिना बात के तकलीफ दी आप लोगों को, जाइए। भैया भैया खुशी नहीं हुई इसे देख के? सही सलामत है। कुणाल बेटा कैसे हो तुम? अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के, ठीक तो हो ना? तुम्हारे हिसाब से अब तक तो ये मर चुका होगा, क्यों? नहीं मर सब छोड़ दो मुझे। छोड़ दें। भैया भाभी, क्यों किया आपने ये सब? अरे आप तो मेरे अपने थे। कोई अपने नहीं तुम्हारे, ये क्रिमिनल्स है, ये क्रिमिनल्स गुनहगार है ये। बताओ क्यों अपने भाई कुणाल को बर्बाद करने पर तुले हुए थे तुम? ये मेरा भाई नहीं है, नहीं है ये मेरा भाई। इसकी बीवी और बेटे ने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तुम? वो जो हमारी प्रॉपर्टी थी, मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी इसकी बीवी और इसके बेटे के नाम कर दी। और पता नहीं उस औरत ने ऐसा क्या जादू कर दिया था पिताजी के ऊपर। तो ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हारे पिताजी ने प्रॉपर्टी का जरा सा भी हिस्सा तुम्हें नहीं दिया? हैं? जरा हम भी तो सुन ले। क्योंकि ये जुआ खेलते थे,
सारे के सारे पैसे जुए में उड़ाते थे। मेरे पिताजी ने अपनी वसीयत ऐसे बनाई थी कि उनके मरने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी निहारिका और आर्यन के नाम ही होनी थी। और इसीलिए तुमने निहारिका को किडनैप करवाया ताकि हमारा ध्यान, हमारा शक विशाल पर जाए, है ना? और कुणाल, इस बेचारे कुणाल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुणाल को हमारे प्लान का पता चल गया था और इसीलिए तुमने कुणाल को मारना चाहा, कोशिश भी की मारने की से, और यह भी बताने की कोशिश की कि कुणाल ने आत्महत्या की है। लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्योंकि कुणाल को हमने बचाया, है ना? देखा, तुम्हारे इस लालच ने जिंदगी के किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है तुम्हें। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना दोनों भी। तो निहारिका जी, कैसी हैं आप? हैं? ठीक हूँ सर। वेरी गुड। सर, आज ही अगर दोनों जिंदा हैं, तो आप लोगों के वजह से। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर निहारिका जिंदा है, तो तुम्हारे बेटे आर्यन की वजह से। बहुत बहादुर बच्चा ही है, इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी दिखाकर इसने अपनी माँ की जान बचा ली। गुड बॉय। और ये रिद्धि, इसे भी हम कैसे भूल सकते हैं? ये भी बहादुर बच्ची है। ये अगर सही वक्त पर हमारे पास नहीं आती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। अब तुम दोनों बच्चों ने इतना बहादुरी का काम किया है, तो तुम्हें गिफ्ट भी तो देना ही चाहिए, है ना? चाहिए गिफ्ट? आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। 1, 2 and 3। अब देखो, ऐसे बहादुरी का काम करना और हमारे देश के अच्छे नागरिक बनना और देश का नाम रोशन करना, करोगे ना? हाँ। शाबाश। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.